हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये इवनिंग में यहाँ पर बारिश हो रही है और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो यहाँ पे मैं पीनट्स को रोस्ट कर रही हूँ, इसकी मैं बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने वाली हूँ। तो पीनट्स रोस्ट करने के बाद इनके जो छिलके हैं वो निकाल लिए हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीनट्स, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्ची, नमक और शक्कर डाल देंगे और बहुत ही टेस्टी और इजी चटनी की रेसिपी है। फिर खूब सारा इसमें हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालेंगे और अब थोड़ा पानी डाल के इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये वाली जो चटनी है आप इडली के साथ, पराठे और उत्पम सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अभी नाइट में मैं जो डिनर है उसकी प्रेप कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आज उत्पम बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक प्याज लिया है और उसको अच्छे से फाइनली चॉपर में चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने टमाटर कट कर लिया है। तो ये रेडीमेड उत्पम जो आता है वो है, उसमें मैंने टमाटर, प्याज और हरा धनिया डाल दिया है। इसमें बाकी कुछ नहीं डालना होता है, आप हरी मिर्ची चाहे तो डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाली है। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना होता है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको थोड़ी रनी रखनी है। तो बस मैं यहाँ इसे अच्छे से, तो इस तरह का इसमें बैटर होना चाहिए। और अब यहाँ पे तवे पे तेल लगा लेंगे और फिर ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, और फिर तवे पे इसको डाल देंगे और बस थोड़ा थोड़ा ही इसको फैलाना है। और अब इसे ढक करके 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे पूरा फैला दिया है और इसे ढक के 1 मिनट कुक कर लूँगी और फिर इसमें ऊपर से इस तरह से थोड़े बबल्स आ जाते हैं और ड्राई हो जाता है। तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं ऊपर या फिर थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। और बस अब इसे मैं फ़्लिप कर दूंगी तो दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं और काफ़ी लाइट भी होते हैं, तो मैं फ्रीक्वेंटली इन्हें बनाती हूँ। और डिनर जो है मोस्टली मैं लाइट ही प्रिफ़र करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो सारे उत्पम हैं वो हम अच्छे से सेक लेंगे और आप इनको लो फ्लेम पे ही सेकना। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा पनीर डाला है, तो ये उससे और हेल्दी हो गया है। और अपनी पसंद की आप कोई भी इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे गाजर, मटर, ये सब डाल सकते हैं। और बस सारे उत्पम मैं बना लूँगी, तो काफ़ी हेल्दी होते हैं ये और टेस्टी भी लगते हैं। मार्केट में ईजिली मिल जाता है उत्पम मिक्स, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अब यहाँ पे मैं एक दाल बना रही हूँ, मूंग की दाल। तो ये भी बहुत ही लाइट वेट होती है और गट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो थोड़े से तेल में मैंने राई और जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है और थोड़ी सी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और फिर ये जो मूँग की दाल है मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, ये इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी सूपी टाइप की ये दाल बनानी है, तो मैं इस तरह की दाल पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल देंगे और इसकी 2 सीटी ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं इंस्टेंट स्टफ़ टोमेटोज़ बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे तेल में थोड़ा सा राई और जीरा डाला है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने कटी हुई शिमला मिर्ची और टमाटर डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब इन सभी सब्जियों को अच्छे से सॉफ्ट होने तक ढक करके हम कुक कर लेंगे। तो ये रहा वो पनीर, तो बस यही यूज़ करने वाली हूँ आज मैं। और ये सब्जियाँ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई, तो मैंने इसमें थोड़े से काजू डाल दिए हैं कट करके, फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और फिर जो मसाले हैं वो थोड़े भुन जाए उसके बाद जो पनीर है वो डालेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर डाली है, तो पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और बस अब इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं, पराठे रोटी के साथ भी ये जो पनीर की सब्ज़ी है बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको स्टफ़ टोमेटोज़ नहीं बनाना तो आप इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। और बस मैंने धनिया डाला है तो ये जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। फिर मैंने यहाँ पे जो टमाटर है उनको इस तरह से बीच से कट कर लिया है और इसके अंदर से हम सब जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि हमको जो स्टफिंग है वो इसमें भरना है। तो मैं बस इसको स्कूप की हेल्प से जो अंदर है वो निकाल रही हूँ।
और यहाँ पे जो टमाटर है वो आप पके हुए टमाटर लेना। तो बस मैंने इन सबको अच्छे से खाली कर दिया है और इसके अंदर अब स्टफिंग हम भर देंगे। तो मैं खूब सारी इसमें स्टफिंग जो है वो भर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है थोड़ा सा घी डाला है और उसके बाद ये जो टमाटर है वो डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पे अब ढक करके थोड़ा अलट पलट करके हम अच्छे से भून लेंगे। तो इनको सारी साइड से जो है अच्छे से आपको कुक करना है। और बस अब मैं यहाँ पे गरम गरम जो रोटियाँ हैं वो डाल दूँगी।